नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जहां युवक के परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर युवक का शव रखकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने बताया कि 5 तारीख को मृतक गणेश कश्यप को निजी अस्पताल में नॉर्मल बीमारी के चलते भर्ती कराया गया था, जहाँ मृतक की हालत ठीक थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से हेवी डोज देने से मृतक की हालत खराब हो गई और खराब हो जाने से उसकी अचानक मौत हो गई। वहीं मृतक गणेश कश्यप के परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर शव रखकर हंगामा किया और मन्नूलाल अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही में अड़े रहे। वहीं कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को भरोसा दिलाया है कि जांच में पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अच्छा वाला गया हुआ था, सुनिए है, दस्त हो रहे। 2 दिन बहुत अच्छा रहा, बात भी किया, सब चीज किया उसने, अच्छा हाथ पैर पटकता रहा, लेकिन डॉक्टर ने पता नहीं कैसा हैवी डोज दिया कि वो दोबारा उठा ही नहीं, पूरा कोमा में चला गया। सब चीज किया, बात किया, जो भी किया, डॉक्टर ने आश्वासन भी दिया रहा कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज की, लेकिन वो डॉक्टर भी मुकर गए। हम लोगों ने 10:30 बजे कल उत्तर डेवल ने अपने घर से फोन किए थे, सर ऐसी ऐसी बातें, वहाँ एडमिट नहीं कर रहे हैं उसको, वहीं बाहर पड़ा हुआ है मेडिकल में, लेकिन उनने क्या बोले कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ की। डी के तिवारी है और ये मनुला का, हाँ डॉक्टर की गलती है ये, और निकालने के लिए उसने इतनी जल्दी किया हर चीज़ को कि क्या बताएं। आपका नाम? हाँ, सरिता कश्यप। हमारा भांजा है वो। क्या उम्र थी? उम्र उसकी 22-23 साल की। क्या नाम था? 30-32 साल का था वो, गणेश कश्यप। एक मर्ग से संबंधित मामला है। दिनांक 5 जून 2022 की रात मृतक मोनू कश्यप अपने घर से नींद से उठकर बाथरूम गए हुए थे। रात करीब 1 बजे नींद में अपने ही घर के बाथरूम के अंदर गिर पड़े, जिससे उनके सर पर चोट लगी। चोट लगने पर दूसरे दिन सुबह इन्हें इलाज के लिए परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर आए। बाद में फिर इन्हें मन्नूलाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मन्नूलाल हॉस्पिटल से 9 तारीख को रात में इन्हें नागपुर के लिए रेफ़र किया गया और आज सुबह नागपुर से ये लोग चले। वहाँ पर जब नागपुर में डेड बॉडी लेकर पहुँचे रात करीब 11:30 बजे, बताया गया है कि यह शांत हो चुके हैं। मृतक के परिजन मृतक की डेड बॉडी कोतवाली लेकर पहुँचे हैं, उस पर मर कायम किया जाकर थाना बेलवा को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।